स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास ट्वेल्थ में आपके पोइट्री सेक्शन में आपकी सबसे पहली पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ आपके सामने आप लोग देख पा रहे हैं, खुली रखी हुई है। और जो पहली पोएम आपकी है वो है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। माने कैरेक्टर माने होता है चरित्र, ऑफ ए हैप्पी लाइफ माने एक प्रसन्न जीवन का, एक खुशहाल जीवन का। तो जो आपकी पहली पोएम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसके पोएट हैं सर हेनरी बॉल्टन। और आपके पोएट्री सेक्शन में लगभग 10 पोएम्स हैं। तो फिलहाल पोएट्री सेक्शन को शुरू किया जा रहा है और वन बाय वन एक एक पोएम आपको यहाँ पे समझाई जाएगी। और साथ ही साथ जो इससे संबंधित रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में अच्छी प्रकार से जाना कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो आपको करने होंगे। साथ ही साथ जो सेंट्रल आइडिया होता है पोएम का, वो भी आपको लिख के यहाँ से सेंड किया जाएगा। फिलहाल सबसे पहले आज आपको पहली पोएम पढ़नी है, द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो पोएम शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको जानना होता है थोड़ा बहुत पोएट के बारे में। तो आप सबसे पहले पोएट के बारे में जान लें। सर हेनरी बॉटन इसके कवि हैं और इनका जन्म हुआ था 1568 में इनका जन्म हुआ था और 1639 में इनकी मृत्यु हो गई। ये कवि हैं, विद्वान हैं और 17वीं शताब्दी के एक बहुत अच्छे लेखक हैं। और ही स्टडीड एट क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड, वो ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। और ही वाज अम्बेसडर टू वेनिस, और वेनिस के वो राजदूत भी रहे हैं। ही फुलफिल्ड मैनी डिप्लोमेटिक मिशन फ्रॉम 1604 टू 1624। डिप्लोमेटिक माने होता है लोकतांत्रिक। उन्होंने 1604 से 1624 के मध्य कई लोकतांत्रिक कार्यों को भी पूरा किया। ही इन्वेंटेड प्रोवर्ब अबाउट अम्बेसडर, उन्होंने राजदूतों के बारे में एक कहावत की खोज की, एक कहावत कही और उनकी कहावत थी एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन सेंट टू लाई एब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एन अम्बेसडर एक राजदूत इज एन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार व्यक्ति होता है। सेंट टू लाई झूठ बोलने के लिए भेजा जाता है। एब्रोड माने अन्य देशों में, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री अपने देश की अच्छाई के लिए। और जॉन डो ने वाज हिज नोटेबल फ्रेंड, जॉन डो ने उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो स्टूडेंट्स अगर मोटे मोटे शब्दों में कहें तो हमने सर हेनरी बॉटम के बारे में ये जाना कि इनका जन्म 1568 में हुआ था और ये एक बहुत अच्छे कवि थे और बहुत बड़े विद्वान थे। ये वेनिस के राजदूत भी रहे हैं और राजदूत के बारे में इन्होंने एक बहुत अच्छी कहावत कही है कि एक राजदूत ऐसा व्यक्ति होता है जो विदेशों में झूठ बोलने के लिए भेजा जाता है अपने देश की अच्छाई के लिए। तो जब हम रेफरेंस लिखते हैं किसी भी स्टेंजा का तो उसमें हमें लिखना होता है थोड़ा बहुत पोएट के बारे में। तो आप लिख सकते हैं सर हेनरी बॉटन वॉज ए ग्रेट पोएट, ही वॉज आल्सो द एम्बेसडर ऑफ वेनिस एंड ही आल्सो फुलफिल्ड मैनी डिप्लोमेटिक मिशंस। तो कम से कम दो लाइनें हमें या दो शब्द एडजेक्टिव जो होते हैं वो लिखने होते हैं पोएट के बारे में। तो अब जब हमने पोएट के बारे में जान लिया है, एक चीज़ और आपको बता दें, हेनरी बॉटन्स फेमस रेस्ट ऑन थ्री लाइरिक्स, हेनरी बॉटन की कुछ फेमस कविताएं इसमें लिखी हुई हैं। ऑन इज मिस्ट्रेस पहली है, द क्वीन ऑफ भूमिया दूसरी है, यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट तीसरी है, एंड कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ चौथी है। और ये चार पोएमें जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके बाद अब आप देखें अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम में होता है,
जो कविता होती है उसकी जो टाइटल होता है, उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है कविता का, भावार्थ, उसे समझना। जब हम अच्छी प्रकार से किसी कविता के भावार्थ को समझ लेते हैं तो उसका सेंट्रल आइडिया लिखने में, साथ ही साथ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करने में हमें कोई समस्या नहीं होती है। तो सबसे पहले आप ओरल इस पोएम की जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन थीम है, उसे समझ लें, और उसके बाद अबाउट द पोएम जो आपके बुक में लिखा है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इस कविता में जो ये पहली कविता आपकी है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, तो सर हेनरी बॉटन हमें एक ऐसे व्यक्ति के विषय में, ऐसे व्यक्ति के चरित्र के विषय में बताते हैं जो वास्तव में प्रसन्न है, जो वास्तव में, जिसे सुखी कहा जा सकता है, संतुष्ट कहा जा सकता है। सर हेनरी बॉटन के अनुसार दुनिया में संतुष्ट व्यक्ति ना ही किसी से घृणा करता है और ना ही किसी से अनावश्यक अत्यधिक प्रेम करता है। उसे ना ही अपनी आलोचना का डर रहता है और ना ही वो ज़्यादा मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए चिंतित रहता है। वो किसी से शत्रुता नहीं रखता है, किसी प्रकार की ईर्ष्या उसके मन में नहीं होती है, फिर चाहे कोई उसकी बुराई ही क्यों न करता हो। वह सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर में ध्यान लगाता है, और जब उसके पास खाली समय होता है तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर वह अपना समय व्यतीत करता है। अपना समय अच्छा होने पर ना ही ज़्यादा मदमस्त होता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होता है, और मुसीबत के समय अपना नियंत्रण भी नहीं खोता है, अपनी आपा भी नहीं खोता है। उसे ना ही ज़्यादा पैसे की लालसा है, ना ही ज़्यादा धन की कामना है, बल्कि वो अपने आप में ही सदैव प्रसन्न और संतुष्ट रहने के साथ साथ बिल्कुल मस्त रहता है। तो स्टूडेंट्स, आगे पोएट कहता है कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति ना ही राजा बनने की कामना रखता है और ना ही उसे भिखारी या गरीब हो जाने की चिंता रहती है। वो अपने कर्म पर ध्यान देता है, सत्कर्मी होता है, मन का सच्चा और दूसरों की मदद करने वाला होता है, साथ ही साथ ईश्वर पर विश्वास रखने वाला होता है। पोएट कहता है ऐसा व्यक्ति यद्यपि कि गरीब होता है या हो सकता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है। तो फिलहाल आपको ओरल हमने समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से सर हेनरी बॉटन ने एक सच्चे प्रसन्न चित्त व्यक्ति के बारे में हमें इस पोएम में समझाया है, बताया है। उनका कहना है कि एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति दुनिया के झंझटों से दूर रहता है। वह दुनिया के तमाम तरीके के प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहता, वो स्वयं को मुक्त रखना चाहता है दुनिया के झंझटों से, दुनिया के प्रलोभनों से वो स्वयं को मुक्त ही रखना चाहता है, और ईश्वर में विश्वास रखकर, ईश्वर में ध्यान लगाकर वह व्यक्ति स्वयं में इतना धनी होता है कि एक राजा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें बुक में अबाउट द पोएम, आप लोग बुक जरूर खोल लें। पोएट्री सेक्शन में आपकी पहली पोएम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, और उसमें अबाउट द पोएट हमने आपको बता दिया है। अब आप जानेंगे अबाउट द पोएम के बारे में। तो अबाउट द पोएम आप खोल के रखें और हम पेन रख के लाइन टू लाइन आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है द पोएम माने कविता, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कविता का नाम है, इज माने है, ए माने एक, और पिक्टोरियल माने होता है ललित, डिस्क्रिप्शन माने वर्णन, ऑफ मैंस हैप्पी लाइफ माने इंसान के प्रसन्न चित्त जीवन का। द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, तो कविता कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इंसान के
इंसान के प्रसन्न जीवन का एक ललित वर्णन है। द पोएम इज ए काइंड ऑफ मोरलिटी पोएम। द पोएम माने कविता, इज माने है, एक काइंड माने एक प्रकार, ऑफ मोरलिटी माने नैतिक, पोएम माने कविता, अर्थात कविता का प्रकार नैतिक है, अर्थात कविता में नैतिकता की शिक्षा दी गई है। आगे लिखा हुआ है, ए हैप्पी मैन हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ कंटेनमेंट। ए हैप्पी मैन माने एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति, हैज माने रखता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स माने गुण ऑफ सेल्फ कंटेनमेंट माने आत्मसंतुष्टि की, ट्रुथ माने सच्चाई की, सिंप्लिसिटी माने सज्जनता की, एंड राइटियसनेस माने होता है धर्म की या साफ सफाई की, शुद्धता की, ऑफ एक्शंस माने कर्मों के। तो ए हैप्पी मैन हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ कंटेनमेंट, ट्रुथ, सिंप्लिसिटी एंड राइटियसनेस ऑफ एक्शंस। कवि के अनुसार एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति के अंदर आत्मसंतुष्टि, सच्चाई, सज्जनता और कर्मों की शुद्धता के गुण होते हैं। कर्मों की शुद्धता के गुण होते हैं। सच ए मैन माने ऐसा व्यक्ति, नेवर हैज इल विल, नेवर माने कभी नहीं, हैज माने रखता है, इल विल माने खराब इच्छा या बुरी इच्छा, आर जिलसी अथवा ईर्ष्या टुवार्ड्स फेलो पर्सन्स, अपने साथ के व्यक्तियों के साथ। तो कवि के अनुसार एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति अपने साथियों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ कभी भी किसी प्रकार की बुरी इच्छा अथवा ईर्ष्या नहीं रखता है। राइज एंड फॉल डज नॉट मैटर फॉर हिम इन हिज लाइफ। राइज माने यहाँ पे उत्थान, एंड फॉल माने पतन, डज नॉट मैटर फॉर हिम इन हिज लाइफ। उसके जीवन में उत्थान और पतन का कोई मतलब नहीं होता है, अर्थात उसकी प्रगति हो तब भी वो समान स्थिति में रहता है, और उसका नुकसान हो, उसका पतन हो, तब भी वो समान स्थिति में ही रहता है। ट्रुअली ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। वास्तव में वह स्वयं का मालिक होता है। लॉर्ड माने होता है भगवान या मालिक, हिमसेल्फ माने स्वयं का, एंड डज नॉट डिजायर फॉर मोर पोसेसंस, एंड डज नॉट डिजायर और इच्छा नहीं करता है फॉर मोर पोसेसंस माने अधिक सुख सुविधाओं की। तो वास्तव में वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति अपना स्वयं का मालिक होता है और उसे अधिक सुख सुविधाओं की कामना या इच्छा नहीं होती है। द पोएम इज ए डिडैक्टिक पीस ऑफ पोएट्री। डिडैक्टिक माने होता है शिक्षात्मक, पीस माने होता है एक या टुकड़ा, ऑफ पोएट्री माने कविता की। तो यह पोएम पोएट्री की एक शिक्षात्मक प्रति है, एक शिक्षात्मक लेखनी है। और अब आपका शुरू होता है टेक्स्ट। आप लोग बुक में पेज नंबर 76 पे, अपनी बुक 76 पेज नंबर खोल लें, और आपका इसी पोएम का पहला स्टेंजा आपके सामने लिखा हुआ है। लिखा है, आपका पहला स्टेंजा शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स सब, और बहुत ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट। तो पोएम की शुरुआत होती है अब, और कवि कहता है, एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति के गुणों का बखान कर रहा है यहाँ पे कवि। तो वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति के गुणों को बताते हुए कवि कहता है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट। हाउ माने कितना, हैप्पी माने प्रसन्न, इज माने है, ही माने वह, बॉर्न माने जिसने जन्म लिया है, आर टॉट माने शिक्षा पाई है। तो कवि कहता है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जिसने इस संसार में जन्म लिया है और शिक्षा पाई है। दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल। कवि कहता है, दैट माने वह व्यक्ति, सर्थ माने सेवा करता है, नॉट माने नहीं, अनदर्स विल माने दूसरे की इच्छाओं का। तो ऐसा व्यक्ति या वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है, अर्थात किसी दूसरे की सेवकाई नहीं करता है। कवि के अनुसार एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति
कितना प्रसन्न होता है या कितना भाग्यवान होता है जिसने इस संसार में जन्म लिया है और शिक्षा पाई है, वह किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं की सेवकाई नहीं करता है। हुज माने जिसका, आर्मर माने कवच, इज माने है, हिज माने उसकी, ऑनेस्ट माने ईमानदार और थॉट माने सोच। कवि के अनुसार एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की रक्षा कवच उसकी ईमानदार सोच है। कवि कहता है कि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का रक्षा कवच उसकी ईमानदार सोच होती है। एंड सिंपल ट्रुथ इज हिज अटमोस्ट स्किल, एंड माने और सिंपल ट्रुथ साधारण सत्य हिज माने उसका अटमोस्ट स्किल महान योग्यता होती है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेंजा सर हेनरी वाटन बताते हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज हॉनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। तो जब इसे हम लिखेंगे हिंदी में ट्रांसलेट करके तो इस प्रकार से लिखेंगे कि कवि हेनरी वाटन एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वास्तव में वह कितना प्रसन्न है या भाग्यवान है जिसने इस संसार में जन्म लिया है और शिक्षा पाई है, जो किसी दूसरे की इच्छाओं की सेवकाई नहीं करता है और जिसकी ईमानदार सोच, सच्ची सोच ही उसकी रक्षा कवच है और साधारण सत्य उसकी महान योग्यता है। और स्टूडेंट्स, अब शुरू होता है आपका दूसरा स्टेंजा। आगे लिखा हुआ है हुज माने जिसके और पैशंस माने होता है जुनून, नॉट हिज मास्टर्स आर। तो स्टूडेंट्स, जुनून एक ऐसा भाव होता है इंसान के शरीर में, इंसान के मस्तिष्क, मन मस्तिष्क में, जब इंसान के मस्तिष्क पर जुनून सवार होता है तो जुनून का इंसान गुलाम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के लिए जस्ट अपोजिट कहता है कवि कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, अर्थात जिसका जुनून, जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं है, वो अपनी भावनाओं का स्वयं मालिक है बल्कि उसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज माने जिसकी, सोल माने आत्मा, इज स्टिल माने सदैव, प्रिपेयर्ड माने तैयार रहती है, फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए। तो वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति के बारे में कवि कहता है कि उसकी आत्मा, अंतर आत्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है। अनटाइड माने मुक्त रहता है, अनटू का मतलब यहाँ पे इनटू है, मुक्त रहता है, इनटू द वर्ल्ड विथ केयर, संसार से बड़ी ही परवाह के साथ, आप प्रिंसली लव माने राजा युवराजों के जैसे प्रेम, आर वल्गर ब्रीथ माने बेकार की आलोचना से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कवि के कहने का आशय है कि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति बड़ी ही परवाह के साथ, बड़े ही ध्यान के साथ इस संसार के राजाओं, युवराजों के जैसे प्रेम और बेकार की आलोचनाओं से मुक्त रहता है। कहने का मतलब ये है कि कवि के अनुसार इस स्टेंजा को हम दोबारा रिवाइज करते हैं, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, कवि के अनुसार एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की भावनाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अनटाइड एंड टू द वर्ल्ड विथ केयर, आप प्रिंसली लव आर बल्गर ब्रीथ, अर्थात कवि के अनुसार एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति ना ही राजाओं, महाराजाओं जैसे प्रेम की कामना करता है, उसे राजाओं, युवराजों जैसे प्रेम की ना ही कामना होती है, और वो ना ही बेकार की, बल्गर ब्रीथ माने बेकार की आलोचना की ही चिंता करता है। अर्थात एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति ना ही युवराज या राजाओं, महाराजाओं के प्रेम की कामना करता है और वह स्वयं को व्यर्थ की आलोचनाओं से भी बड़ी ही परवाह के साथ संसार में मुक्त रखता है। और स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेंजा आपके सामने लिखा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमरस फीड, हु माने जो, हैथ माने रखता है,
हिज माने अपना, लाइफ माने जीवन, फ्रॉम र्यूमरस फ्रीड, र्यूमरस माने बेकार के कामों से, तो हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमरस फ्रीड, अर्थात दुनिया के प्रपंचों से ऐसा व्यक्ति स्वयं के जीवन को मुक्त रखता है, या जो दुनिया का आकर्षण है, र्यूमरस फ्रीड माने सांसारिक आकर्षण, तो एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति स्वयं को सांसारिक आकर्षण से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, हुज माने जिसका और कॉन्शियस माने जमीर यानी अंतर आत्मा की आवाज, इज माने है, हिज माने उसका, स्ट्रांग माने मजबूत और रिट्रीट माने ढाल, तो उसकी अंतर आत्मा की आवाज ही उसकी मजबूत ढाल है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर र्यून मेक ऑपरेसर ग्रेट, हुज स्टेट, हुज माने जिसके, स्टेट माने कथन, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, कैन माने सकते हैं, नाइदर माने नहीं, फ्लैटर्स फीड तो जिसके कथन ना ही किसी को पीड़ा पहुंचा सकते हैं, नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और उसके अनुसार र्यून माने बर्बादी, मेक माने बनाती है, ऑपरेसर्स माने जो लोग ईर्ष्या रखते हैं अर्थात ईर्ष्यालुओं को, ग्रेट माने महान, अर्थात अपना अवसर पाने पर भी वो किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं करता है, किसी को नुकसान पहुंचाने की कामना नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वाला स्टेंजा, इसकी लास्ट वाली दो लाइनें एक बार और देखेंगे। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, अर्थात जो अपने कथनों से किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाता है, नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और उसके अनुसार किसी प्रकार की बर्बादी या किसी प्रकार का कोई भी नुकसान करने वालों को महान नहीं बनाता है, अर्थात किसी का नुकसान करके, किसी को हानि पहुंचा के हम महान नहीं बन सकते हैं। तो फिलहाल तीन स्टेंजा, इनकी हिंदी हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, और जो तीन स्टेंजा बचे हुए हैं उनको अब कल के वीडियो में आपको हम समझाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोग इसे बहुत ध्यान से सीरियसली समझें, और अगर कोई लाइन क्लियर नहीं हुई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट 3 स्टेंजा आपको हम कल समझाएंगे। टिल देन, बाय बाय।